प्रिया सरोज, इकरा हसन, रुचि वीरा और रागिनी सोनकर, ये डिंपल यादव की स्पेशल टास्क फोर्स की मेंबर है। यानी डिंपल की वो महिला नेता जो संसद से लेकर विधानसभा तक समाजवादी पार्टी की पोस्टर है। यादव की महिला नेता जितनी धारदार बोलती हैं, उतनी ही ज्यादा सोशल मीडिया पर पॉपुलर है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी इनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। केरला से सांसद इकरा हसन का जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। मछली शहर से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली प्रिया सरोज को भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रचार का पहला असाइनमेंट मिला है। मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर को 2027 के यूपी चुनाव में दलित चेहरे के तौर पर इलाके में एक्टिव किया जाएगा। ये किस तरह युवाओं के बीच फेमस हो रही हैं, इनका यूएसपी क्या है और किस तरह अपने सपनों को छोड़कर सियासत में उतर गईं, ये सब आपको बताएंगे। मगर ये जान लीजिए कि आखिर क्यों इन्हें डिंपल की स्पेशल टास्क फोर्स कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इनकाउंटर को लेकर वार पलटवार हो रहे हैं और इसी जुबानी लड़ाई में एसटीएफ को मुद्दा बनाया गया है। अखिलेश यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स को लेकर हमलावर हैं, सरेआम ठोको फोर्स और स्पेशल ठाकुर फोर्स की संज्ञा दी जा रही है। यूपी की राजनीति में इन सबसे अलग हटकर डिंपल यादव सीक्रेट तरीके से रणनीति पर काम कर रही हैं और इसमें महिला नेताओं को खास तवज्जो दी है। कौन सा टास्क किस महिला नेता को पूरा करना है, कौन से मुद्दे पर किस अंदाज में बोलना है, डिंपल की महिला टीम इसमें परिपक्व होती जा रही है। ये सांसद हैं और विधायक भी हैं और सब पढ़े लिखे बच्चे हैं ये, और मैं समझती हूँ ये जन जन से डायरेक्ट संपर्क में हैं और सभी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वह महिलाओं के मुद्दे हो, चाहे वह किसान के हो, चाहे वह युवाओं के हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, सभी तरह के मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस तरह का नेतृत्व हमारी महिलाओं का समाजवादी पार्टी में है और ये इसके लिए मैं केवल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगी। से जुड़ी अपडेट देती हैं, जब भी कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड करती हैं तो फौरन वायरल हो जाती है। से उन्हें टिकट मिला और 25 साल की उम्र में ही संसद पहुंच गईं। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज केराकस से विधायक हैं। चुनाव लड़ने से पहले वो पिता के साथ बैठकर सियासत की बारीकियां सीखने लगी। कई बार समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हुई और फिर पब्लिक से कनेक्ट करने लगी। सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ रखने के कारण उन्होंने उसी को अपनी आवाज बनाना शुरू कर दिया और फिर युवाओं और महिलाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया। दिल्ली में पढ़ने लिखने वाली प्रिया सरोज मछली शहर की गलियों में सक्रिय हो गईं। प्रिया सरोज ने दिल्ली के एयरपोर्ट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, नोएडा के MIT यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। प्रिया सरोज डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति यादव की गुड बुक में शामिल है। उनके विजन से अखिलेश यादव भी वाकिफ है। दलितों और पिछड़ों को टॉप प्रायोरिटी देने वाली प्रिया सरोज जम्मू कश्मीर में प्रचार करेंगी। यूपी के बाहर उनका यह पहला चुनावी इम्तिहान होगा। सब उनसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनकी सोच को जानना चाहते हैं। अभी चूंकि बहुत कम समय हुआ उनको प्रतिनिधि चुने हुए, इसलिए उनके सारी जो उनकी सोच है उससे सब नए लड़के रूबरू होना चाहते हैं। फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, न फैन फॉलोइंग होती तो इतने कम उम्र में इतनी बड़ी क्षेत्र से प्रतिनिधि न चुनी जाती। प्रिया सरोज ये एक्सेप्ट करती है कि पिता की पहुंच की बदौलत ही उन्हें चुनावी टिकट मिला था, मगर ये बताने में किसी तरह की झिझक नहीं कि वो शाहरुख खान की दीवानी है। जिस तरह कम उम्र में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अखिलेश के पीडीएम वाले प्लान में प्रिया सरोज अहम भूमिका निभाएंगी, क्योंकि वो खुद दलित समुदाय से आती हैं और भेदभाव को मिटाने का संकल्प लिया है। माता पिताजी को बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतनी कम उम्र में मुझे सांसद बनाया। और प्लस हमारा बचपन से रुचि था पॉलिटिक्स में और पिताजी का जो जीवन संघर्ष रहा, जो लाइफ का स्ट्रगल रहा है, उनको देखते हुए मुझे बचपन से, मैंने खुद से प्रॉमिस कर दिया था कि अगर हमें मौका मिलेगा, जनता ने हमें मौका देंगे तो हम समाज सेवा करेंगे। जिस मछली शहर से प्रिया सरोज सांसद हैं, उसी शहर की विधायक हैं रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर अपनी चुटीली और धारदार शब्दावली के लिए मशहूर हैं।
शेरो शायरी और मुहावरों के जरिए पूछे जाने वाले सवाल उन्हें नई पहचान दिला रहे हैं। निभाना पड़ेगा कि तुम्हारी फाइल में जो गांव है उनके मौसम गुलाबी हैं, यह आंकड़े झूठे हैं और ये जो दावे हैं वो किताबी हैं। खामोशी ना ओढ़ो, तुम जुबान खोलो, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलो। यहाँ मजलूम हर रोज सताए जा रहे हैं, घर कभी गिराए तो कभी जलाए जा रहे हैं। राजनीति में एंट्री से पहले रागिनी सोनका डॉक्टर थी, दिल्ली एम्स में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन समाज सेवा का भाव इतना प्रबल हुआ कि रिजाइन देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने MBBS की पढ़ाई कोलकाता से की है। वो सपा नेता कैलाश सोनकर की बेटी हैं, जो खुद अजगरा से विधायक हैं। यूपी विधानसभा में पहुंचते ही उन्होंने अपने सवालों से कई बार सत्ता पक्ष को चौंकाया है। राम मंदिर पर सुनाई गई उनकी कविता जबरदस्त वायरल हुई थी। कि ये हालात तेरी जंजीर तोड़ जाऊंगा, अपने हाथों पे लिखी लकीर मोड़ जाऊंगा। देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर, देखते रह जाओगे आंखें फाड़ कर, तेरे सामने वह तस्वीर छोड़ जाऊंगा। कभी नजरों का इलाज करने वाली रागिनी सोनकर अब महिलाओं के प्रति नजरिए को बदलने की मुहिम छेड़ चुकी हैं। इसीलिए उनकी स्पीच का मुद्दा अपराध और महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहता है। यूपी के अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जितने भी सवाल होते हैं उनके पूछने की जिम्मेदारी रागिनी ने संभाल रखी है। मूल रूप से वाराणसी की निवासी रागिनी सोनकर डिंपल यादव की खास महिला नेताओं में शुमार हैं। चाहे वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो RML हो, चाहे वो SGPGI हो, आज ये अगर प्रोफेसर्स की भर्ती की बात आती है तो वहां जगह जगह पर आरक्षण का हनन हो रहा है और जगह जगह पर गलत तरीके से भर्तियां की जा रही है। माना जा रहा है कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में रागिनी सोनकर बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। वो पूर्वांचल में सपा महिला नेताओं का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। युवाओं के बीच बढ़ती उनकी पॉपुलैरिटी इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है। डॉक्टर हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और दोनों लोग इस आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर रही हैं, यूथ में जनता के लिए जो काम करें यह बहुत ही हमारे जनपद का गौरव, हमारे जनपद के लिए यह बहुत सौभाग्यशाली बात है कि हमारे जनपद में दो दो ऐसी महिला हैं जो पूरे देश में अपनी एक पहचान रख रही हैं। अरे इनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो गई है, इनका काम करने का तरीका, इनका मिलने जुलने का तरीका, जनता से रूबरू होती हैं लगातार क्षेत्र में जाके। इकरा हसन मौजूदा वक्त में किसी पहचान की मोहताज नहीं। कैराना से लेकर संसद के गलियारे तक उनकी आवाज जबरदस्त तरीके से गूंज रही है। राजनीतिक बदलाव से ज्यादा जरूरी है सामाजिक बदलाव लाना और उसमें हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना पड़ेगा। तो मैं बहुत छोटी हूँ, आप सबसे सीखने के लिए आई थी। किसानों की बड़ वकालत करने वाली इकरा शामली से वैष्णो देवी के लिए ट्रेन की मांग कर चुकी है। इकरा ने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली में क्वींस मैरी स्कूल से की और ग्रेजुएशन दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से की। DU से LLB करने वाली इकरा ने लंदन से इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। पहली बार उन्होंने सुर्खियां तब बटोरी जब लंदन में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। 2021 में लंदन रिटर्न्स इकरा ने सियासत में पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2024 में चुनाव लड़ा और फिर डिंपल के साथ कदम ताल कर चुनाव में नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। डिंपल यादव जी ने जो फैसला लिया ये बहुत काबिल फैसला है और ये बहुत ही अच्छा कदम है उनके लिए। और कश्मीर में कोई भी मुद्दा नहीं रहना, इकरा ही इकरा रहेगी और सब कुछ इकरा का ही रहेगा। अच्छी नेता है, पढ़ी लिखी है और आज तक उनकी जितने भी आपने भाषण देखे होंगे कभी भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे वो नहीं करी, तो अच्छी लोकप्रियता है यहाँ पे। इकरा हसन अपने आप में एक स्टार ही है, जैसे कि पब्लिक का इतना सपोर्ट मिला है और वो जीत करके लोकसभा कराना से हमारे बीच में सांसद बन के आई हैं, तो स्टार प्रचारक बनाना सपा ने उनको बहुत ही अच्छा कार्य किया है और वहां से सपा को उनका फुल 100% फायदा मिलने वाला है। इकरा हसन की सियासत के केंद्र में मुसलमान वोट है और इसके लिए वो बार बार अपने परिवार पर लगाए गए केसों को राजनीतिक बताती रही हैं। उनके कई बयान ऐसे हैं जिन्हें BJP हेट स्पीच मानती है। हालांकि डिंपल यादव की इस महिला सांसद की हर लाइन से समाजवादी पार्टी को फायदा दिखता है। वो युवा होने के साथ साथ मुस्लिम वर्ग से आती हैं। तो BJP जिस तरीके की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है उसी पर अब वापस घूमकर आ रही है और ये मेरी नज़र में चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके वजह से हुआ है, क्योंकि BJP को काम दिखाने के लिए BJP के पास कुछ है नहीं।
फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली इकरा हसन की मजबूती हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड है। वो 2016 में महापंचायत चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके दादा अख्तर हसन, पिता मुनव्वर हसन और माँ तबस्सुम तीनों ही सांसद रह चुके हैं। भाई नाहिद हसन भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। इकरा को खुद यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी चुनाव जीतेंगी और संसद में अपनी आवाज बुलंद करेंगी। अब इकरा जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रचार करने जाएंगी। मेरी शुरुआत हुई राजनीति में तो परिस्थितियाँ थोड़ी ऐसी थी कि मेरे भाई पर और मेरी माताजी पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें राजनीति से दूर किया गया। तो उस दौरान मेरा आना हुआ राजनीति में, तो कठिन परिस्थितियाँ थी, लेकिन उसके बाद मेरी खुद की दिलचस्पी बढ़ी। समाजवादी पार्टी की मौजूदा महिला सांसदों में सबसे उम्रदराज है रुचि वीरा। मुरादाबाद से सांसद और आजम खान की खासम खास रुचि वीरा जब भी कोई बयान देती हैं तो फौरन सुर्खियां बटोर देती हैं। रुचि वीरा के टिकट से लेकर समाजवादी पार्टी में एंट्री तक हर बार नया घमासान हुआ। वो पहले समाजवादी पार्टी में रही, फिर बीएसपी में चली गई और लोकसभा चुनाव से पहले फिर अखिलेश की पार्टी में एंट्री कर ली। 2014 में विधायक रह चुकी रुचि वीरा का पूरा कैंपेन ही विवादों में रहा। पुलिस वालों को धमकी से लेकर मुस्लिम कार्ड चलाने में वो पीछे नहीं रही। हमारी पार्टी ने तो हमेशा ही सबको सम्मान देने का काम किया है, चाहे महिलाएं हों या किसी भी वर्ग के लोग हों। सबसे ज़्यादा टिकट देने का काम किया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को, और हमारी दादा ने महिलाएं जीत के भी आई हैं। उत्तर प्रदेश से केवल 7 महिलाएं जीती हैं, जिनमें 5 समाजवादी की हैं। समाजवादी पार्टी के करोड़पति सांसदों में शुमार रुचि वीरा को फिलहाल समाजवादी पार्टी में बड़ी भूमिका नहीं दी गई है, लेकिन मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में वो अपने लिए संभावनाएं तलाश रही हैं। अड़गांव भाषण थे जो मुसलमानों की हमदर्द बन के आई थी, वो मुरादाबाद का वोट बैंक वसूल करने के लिए उन्होंने वो काम किया और वो काम करने के बाद वो चली गई। समाजवादी को मालूम है कि कहीं ना कहीं मुसलमान कुछ ना कुछ अपना हिस्सा मांगेगा जो उन्होंने वादे किए थे, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया। जिले के अंदर उपचुनाव है, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें जिम्मेदारी देना चाहेंगे तो देंगे,